भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न दो, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका, किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं, ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश
इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। नीरज जी, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है, तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। एक टेक्निकल बात यह भी है कि आप लोगों ने जैसे Z प्लस सिक्योरिटी सुनी होगी, उसके ऊपर होती है ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, और उसके ऊपर होती है SPG जिसमें सारे रूट को सैनिटाइज करना लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो अब उस हिसाब से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि ये चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। जी हिमांशु जी, आप मुझे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपनी सरकार के माध्यम से कि उनको ये नहीं पता कि उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? क्या ये संभव है? जैसा कि सुधांशु जी ने आपको अभी पूरी सिक्योरिटी डिटेल दी, सिक्योरिटी रन पूरे रेट पे रूट पे करने का दायित्व पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पास है। क्या आपके इस प्रश्न में इस बात का उत्तर छिपा हुआ है कि जानबूझकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया? एक बिंदु और भी है इसमें, जवाब पंजाब सरकार देगी या कांग्रेस पार्टी देगी प्रधानमंत्री जी के रूट पे? और चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता कांग्रेस रोकती रही और देश की जनता मार्ग प्रशस्त करती रही। चलिए, जो फोन पे आ जाते सुरक्षा कर्मियों के लिए तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती। और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी कितनी काबिलियत है ये कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष से पूछिए ना। किसको मालूम नहीं था? उनको मालूम नहीं था? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का? उनको मालूम नहीं था कि पंजाब पुलिस ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? उनको मालूम नहीं था कि उनको और उनके ऑफिस को संपर्क करने का प्रयास कर रही थी सिक्योरिटी डिटेल? उनको मालूम नहीं था? लेकिन उन लोगों को मालूम था जिनको प्लांट किया गया फ्लाईओवर के ऊपर, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं? जी पॉन्स हैव बीन सैक्रिफाइस्ड। प्यादे को त्यागा है,
बिसात जिसने बिछाए जवाब उसको देना है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का निर्णय राज्य स्तर के एजेंसीज लेती हैं कि जिले स्तर पे? और जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, इससे स्पष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पार्टी संगठन से तो समन्वय था नहीं, अब प्रशासन से भी समन्वय नहीं है। तो ये जो स्मृति जी ने कहा, सरकार किस गति या दुर्गति के साथ चल रही है पंजाब में, यह स्पष्ट हो जाता है। When you bring a calculated, structured and politically directed security breach to the office of the Prime Minister, you sully the name of the institution, you sully the office that you hold, but more so, can somebody who is a part of an administration that is responsible to provide security deliberately partake in dereliction of duty so that the Prime Minister is brought to physical harm?